नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। इलाज में लापरवाही से प्रसूता की मौत के आरोप में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में मृतिका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सिलीगुड़ी के चैनपाड़ा निवासी सम्राट मजुमदार की पत्नी माला सरकार मजुमदार को प्रसव पीड़ा होने पर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार 24 मई को माला ने सिजेरियन सेक्शन से बेटी को जन्म दिया। कल रात 8 बजे तक उनका स्वास्थ्य स्तर बताया जा रहा था और उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की थी। हालांकि गुरुवार 25 तारीख को सुबह 7 बजे अचानक परिजनों को सूचना मिली कि उनका मरीज गंभीर रूप से बीमार है। हालांकि घर वालों ने जाकर देखा तो माला सरकार मजुमदार काफी पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही या नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर से हंगामा शुरू कर दिया। मामले को लेकर उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को शिकायत की है। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के अधीक्षक चंदन घोष ने कहा कि घटना की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाय श्रमिकों के वेतन वृद्धि की मांग में तृणमूल श्रमिक संघ की गेट मीटिंग। तृणमूल चाय बगान श्रमिक ने गुरुवार सुबह कालचीनी प्रखंड के विभिन्न चाय बगानों में गेट मीटिंग कर चाय बगान कर्मियों को 18 रुपए वेतन बढ़ाने की मांग की। तृणमूल चाय बगान श्रमिक संघ ने कालचीनी प्रखंड के मलंगी बीच दलसिंहपड़ा चुआपड़ा डीमा भतखवा मधु सहित विभिन्न चाय बगानों में एक घंटे की गेट मीटिंग का आयोजन किया। तृणमूल टी गार्डन वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र उराव ने कहा कि श्रम मंत्री ने चाय श्रमिकों के दैनिक वेतन में 18 रुपए की वृद्धि की है, लेकिन मालिक इस बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चाय श्रमिकों का वेतन जल्द बढ़ाया जाए, नहीं तो हम बड़े आंदोलन से जुड़ेंगे। माध्यमिक की एक छात्रा ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घटना फांसी देवा ब्लॉक के बेरगांज गांव में हुई है। मृत बच्ची का नाम साबी फातिमा था, उम्र 17 वर्ष था। ज्ञात हुआ है कि परिवार के सदस्य रोजाना की तरह घर का काम कर रहे थे, तभी छात्रा ने घर का दरवाजा बंद कर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घर वालों ने देखा तो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और छुड़ाया। फिर उसे फांसी देवा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। वहां से परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी फांसी देवा थाने पुलिस को मिली। पुलिस शव को बरामद कर थाने ले आई। गुरुवार को इसे पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। परिजन अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस छात्र ने आत्महत्या क्यों की है। सूत्रों के अनुसार वो इसी वर्ष माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद बुधवार को उसने ज्योति नगर आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 11 में प्रवेश लिया। फांसी देवा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा और सीपीएम के 80 परिवार तृणमूल में शामिल। ग्वाल पोखर के पांजीपाड़ा में बुधवार शाम करीब 80 परिवार भाजपा और सीपीएम छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम रसूल उर्फ मोनी ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान मोहम्मद राही ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले इतनी संख्या में भाजपा एवं सीपीएम समर्थकों के तृणमूल में शामिल होने से पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत 12 नंबर सांसद में विपक्ष समाप्त हो गए हैं। महंगाई तृणमूल नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध रैली आयोजित। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं की अत्यधिक कीमतों में वृद्धि और तृणमूल नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। ग्वाल पोखर थाने के पांसीपाड़ा में बुधवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध मार्च निकाला गया। जुलूस तृणमूल पार्टी कार्यालय से निकाला गया। जुलूस राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से होते हुए पांसीपाड़ा बाजार की परिक्रमा कर सम्पन्न हुआ। जुलूस में ग्वाल पोखर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम रसूल उर्फ मोनी, पांसीपाड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष फिरोज खान, मोहम्मद मासूम, मोहम्मद राही, मजहर आलम और तृणमूल कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। जामाई षष्ठी पर गुलजार हुआ सिलीगुड़ी का फल बाजार। सिलीगुड़ी स्थित है कि बंगाल में 12 महीनों में 13 पर्व होते हैं, वही जेठ महीने के बाद आते ही जामाई षष्ठी का धूम शुरू हो जाता है। जामाई षष्ठी के पर्व में दामाद को आदर सत्कार किया जाता है। इसके लिए आम लीची समेत विभिन्न मौसमी फलों का बाजार गुलजार है। हालांकि विक्रेताओं का ये कहना है बाजार में आम का मांग अच्छा होने पर भी पर्यताप खरीदार नहीं है। विक्रेताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जामाई षष्ठी के मौके पर उनके आम का बिक्री अच्छी होगी। जामाई षष्ठी पर सिलीगुड़ी के बाजारों में पहुंचा दामाद का पसंदीदा हिलसा मछली।
ससुरों की पॉकेट होगी ढीली। जमाषष्ठी को लेकर सिलीगुड़ी के बाजारों में दामाद का पसंदीदा हिलसा मछली पहुंच चुकी है, लेकिन कीमत आसमान को छू। मीडियम साइज की हिलसा मछली 1300 रुपए किलो से शुरू हुई है। साइज के हिसाब से हिलसा की कीमत 2000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जाहिर है ससुरों की जेबें काफी ढीली होने वाली है। जमाषष्ठी के पर्व में दामाद के आदर सत्कार में ससुराल वाले कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो खरीदारी भी जमकर करनी होगी। मछली विक्रेताओं का कहना है कि बाजार में पर्याप्त संख्या में हिलसा मछली आ चुकी है, हालांकि पर्याप्त खरीदार नहीं है। विक्रेताओं को उम्मीद है कि चूंकि जमाषष्ठी गुरुवार को है, इसलिए उसी दिन मछलियों की बिक्री में तेजी आएगी। वार्ड नंबर 42 नगर शासकीय केंद्र के मेयर गौतम देव ने किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हो जयगांव मेरा, मैं बृष्टि पाठक आपके साथ। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में नगर शासकीय केंद्र के मेयर गौतम देव ने उद्घाटन किया। बुधवार को केंद्र के विधिवत उद्घाटन किया गया। जानकारी मिली है कि नगर निगम के ये स्वास्थ्य केंद्र वर्ष संख्या 42 दिनों के वोस्को मोड पर 28,97,671 रुपए की लागत से बनाया गया। यहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी संबंधी किसी भी समस्या का प्राथमिक उपचार यहाँ उपलब्ध होगा। इस केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में मेयर गौतम देव के साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मानिक दे समेत अन्य मौजूद थे।